हे गाइस, मैं हूँ फिलोसो एक मयंक और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं। ये एक एक्वेरियो नियो का CO2 DIY किट है। ये एक अपने एक्वेटिक टैंक में, जो प्लांटेड टैंक है, उसमें CO2 डालने का किट है, जो कि डू इट योरसेल्फर है। तो आज हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो ये एक कोरियन मेड प्रोडक्ट है, एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। और आप जिससे पहले अपने टैंक में प्रेशराइज CO2 सिस्टम, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, वो यूज़ करें, उससे पहले एक अच्छा मेथड है मे बी यूज़ करने के लिए। ये मैंने 2300 रुपीज़ का ख़रीदा और ये इसके इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको कैसे आप यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं कि आगे हम इसको अपने टैंक में कैसे डालेंगे और इसको यूज़ करने का मेथड क्या है। तो इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो ये इसके बॉक्स के अंदर से पहली चीज़ जो है वो है हमारा CO2 का जो कैरियर सिलेंडर है। ये एक्रेलिक का लग रहा है देखने में, पर काफ़ी अच्छा क्वालिटी दिख रहा है। और इसके अंदर में शुगर और जिलेटिन मिक्स पाउडर ऑलरेडी अंदर ही पड़ा है। अगली चीज़ है हमारी बायो रिफिल, जो कि यीस्ट है, यानी खमीर, जो कि हम दही के लिए या आप केक्स के लिए भी यूज़ करते हैं। बाकी हमारे को इस किट में कुछ और चीज़ें भी मिली हैं। एक कंप्लीट DIY किट है, यानी आपको इसके अलावा में कुछ और ज़रूरत नहीं है CO2 को अपने टैंक में डालने के लिए। ये इसका कैप है, जो कि आगे नोजल के साथ में दे रखा है, जिसमें हमारी एयरलाइन ट्यूबिंग या CO2 ट्यूबिंग लगेगी। ये एक्वेरियो नियो का डिफ्यूज़र है, ये स्मॉल है, इसमें 3 साइजेस आते हैं। ये इसके सक्शन कप्स हैं, जिससे हम अपने डिफ्यूज़र को कनेक्ट करेंगे एक्वेरियम की ग्लास वॉल पे। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। साथ ही में एक गैसकेट भी है। और ये हो गया हमारा डब्बा खाली। अब हमें पहली चीज़ क्या करनी है कि हमारे को ये जो शुगर और जिलेटिन मिक्स है, इसमें 300 ml गर्म पानी डालना है। बहुत गर्म नहीं, पर वार्म वाटर, जो इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखा है लगभग 50 degrees Celsius के लिए हो। अब हमारे को इसको अच्छे से मिक्स करना है, लगभग 100 बार शेक करके। अब ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसको 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये सेटल हो जाए और इसका जेली बन जाए। 24 घंटे हो गए हैं, अब हम इसमें अपना जो बायो रिफिल है इसका, वो ऐड करेंगे। ये सिलिका जेल है, ये हमारे काम का नहीं है। और ये रहे इसके बायो रिफिल के पैकेट्स, तो इसमें हमारे को 5 पैकेट्स दे रखे हैं अंदर। ये हमारा जेली बन चुका है, देखिए बिल्कुल भी कहीं हिल नहीं रहा। ये CO2 सिस्टम जो है वो लगभग 65 से 90 लीटर्स या 100 लीटर्स तक के टैंक के लिए बहुत है। अब इसमें अलग साइज का डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हैं। और ये जो यीस्ट है, इसके मे बी एक बार 1 से 2 पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमारा टैंक छोटा है तो हम एक ही पैकेट यूज़ करने वाले हैं इस बार।
पेस्ट ऐड करने के बाद में अगली चीज़ जो हमें करनी है, इसमें 200 ml वार्म वाटर डालना है। इसका टेम्परेचर लगभग 30 डिग्रीज होना चाहिए। अब क्या है, जो यीस्ट है ये एक्टिवेट होगा और ये धीरे धीरे करके जो शुगर है उसको खाना शुरू करेगा और उससे एक रिएक्शन होगा जिससे CO2 रिलीज होगी। बाकी सामान बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारी जो CO2 ट्यूब है ये लगभग 1 मीटर लंबी है। इसको हम इसके कैप में लगा देते हैं। ये जो डिफ्यूज़र है हम इसको भी वार्म वाटर में रखेंगे लगभग 20 मिनट से एक आधे घंटे तक। अब जो हमारे को गैस किट दिया गया था वो क्या है, वो सील करने के लिए इसको, ताकि बिल्कुल भी गैस है वो बाहर रिलीज नहीं हो। उसको अच्छे से साफ कर लिया। अब हमने उसको लगा दिया कैप में और अब हम बॉटल को ढंग से बंद कर लेंगे ताकि कोई भी जो CO2 इसमें बन रही है, क्योंकि अगर प्रेशर नहीं बनेगा तो वो डिफ्यूज़र से बाहर नहीं आएगा, अगर लीक होगा कुछ भी, तो उसको अच्छे से बंद कर लीजिए। अब हम हमारे जो डिफ्यूज़र उसमें दोनों सक्शन कप्स लगा देंगे। और अब जो दूसरा एंड है उसको हमारे डिफ्यूज़र से कनेक्ट कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान था। जो हम घर में पूरा DIY करते हैं दूसरा, उससे तो बहुत ही आसान था। कोई मेस नहीं है किसी किस्म का, सब कुछ रेडी मिल रहा है और बहुत ही देखने में भी साफ सुथरा है सब कुछ। जो सक्शन कप्स हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही टाइटली लग गए एकदम। पर जो हमारा कप का जो उसमें होल है जिसमें हमारा डिफ्यूजर लगा है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो वो मूव कर रहा है। ये लगभग 45 मिनट्स के बाद में रिएक्शन शुरू हुआ और इतना प्रेशर बन गया बॉटल के अंदर में कि अब स्लाइटली CO2 दिखाई देने लग रहा है निकलते हुए। लगभग 1 hour के बाद का CO2 का जो रिएक्शन है, ये 1 hour 20 minutes के बाद का CO2 का जो रिएक्शन है और कितना बबल रेट है इस वक्त में। जो इसका बॉक्स है या जो कंपनी क्लेम करती है वो है 4 bubbles per 3 seconds का, पर ये अभी तक उतना पहुंचा नहीं है। ये लगभग 2 hours के बाद का क्लिप है और अब आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छा डिफ्यूजन रेट हो रहा है इसमें। एक बात और कि आप जो अपना डिफ्यूज़र है उसको बिल्कुल बॉटम में लगाइए जितना हो सके टैंक के, ताकि मैक्सिमम आपको CO2 मिल सके टैंक के अंदर। और ये क्योंकि एक DIY CO2 है तो इसको आप रोक नहीं सकते, ये 24/7 चलता रहेगा। तो आप अपने टैंक को ओवरस्टॉक भी नहीं कर सकते क्योंकि फिशेस के लिए ये टॉक्सिक है, वो मर सकती है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी।
ये फाइनल है जिसमें इसका कंप्लीट डिफ्यूजन रेट है लगभग 2.5 आवर्स से 2 आवर्स 45 मिनट्स के बीच का क्लिप है और बहुत ही अच्छा डिफ्यूजन रेट है इसका। आई एम वेरी हैप्पी। तो दोस्तों ये थी हमारी CO2 किट DIY एक्वेरियो नियो की। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी करिए। और मैं आपके लिए नए नए और भी वीडियोज़ ऐसे ही लाता रहूँगा, अभी और भी बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। तो मैं जल्दी आपको अगले वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए टेक केयर।